बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वालों की संख्या 101 के पार जा चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस वक्त चमकी बुखार का कहर लोगों पर टूट चुका है। आंकड़ों के अभी और बढ़ने के भी आसार हैं। बच्चों के इलाज को हड़ताल से अलग रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा है कि शुगर लेवल स्टार्टिंग बहुत घट जा रहा है, 32, 34, 50, कम से कम शुगर लेवल ठीक रहे तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से कुछ कदम आप तो सरकार की सारी सरकार की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, हमारे डॉक्टर लगे हैं, जिला प्रशासन पूरा लगा है, हर तरह से यहाँ केजरीवाल दोनों जगह पूरी व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर नर्स सब लोग पूरी जनता के साथ लगे उन्हीं की मॉनिटरिंग में सब हो रहा है। अरे भाई मॉनिटरिंग करना, उसका इलाज कराना है कि आना और जाना इम्पोर्टेंट है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज परेशान है। चमकी बुखार का कहर बिहार में जमकर टूटा है, आंकड़ा 100 के पास जा चुका है। बिहार में चमकी बुखार का कहर जारी है, जहां पर मरने वालों की संख्या 101 पहुंच चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जायजा भी लिया था, लेकिन उनके सामने भी एक बच्ची ने दम तोड़ दिया, जो सबसे ज्यादा दुखद था। और इस वक्त बच्चे चपेट में चमकी बुखार के, इस वक्त बिहार चमकी बुखार के कहर से जूझ रहा है। साथ ही साथ तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की चिकित्सा सुरक्षा चिकित्सा जो है वो मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी आंकड़ा 100 के पार। चमकी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, मैं उनका जो दुख है वो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बट हमारे दुख को जानने के लिए भी इस स्टेप हमको उठाना पड़ा, तो ये जानने की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे भारतवर्ष से कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं बच्चों के इलाज को हड़ताल से दूर रखा जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथ संवाददाता संतोष। संतोष, बिहार में चमकी बुखार का कहर लोगों पर टूट चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चमकी बुखार का कहर लगातार जारी है और बच्चे के मौत होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि उत्तर बिहार सहित मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, इन सभी जिलों में जो है चमकी बुखार का कहर लगातार जारी है। मरने वाले बच्चों की संख्या जो है 101 के ऊपर पहुंच गई है और लगातार इन बच्चों का इलाज भी चल रहा है, जिससे कुछ बच्चे ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे मौत के मुंह में लगातार जा रहे हैं और इसे बचाने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी आए हुए थे, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी आए हुए थे, लेकिन अब तक इन बच्चों के बचाने का कोई ठोस उपाय होता हुआ नहीं दिख रहा है। और हम प्रदेश के मुखिया भी जो हैं नीतीश कुमार, वे भी अब तक इन बच्चों का हालचाल लेना मुनासिब नहीं समझा है। जी जी संतोष, सरकार तमाम दावे कर रही है कि जो चिकित्सा है वो मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन मौत के बड़े आंकड़े को रोक नहीं पा रही है। सरकार चाहे जो भी दावा करे, सरकार बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो तो 4 लाख रुपया मुआवजा देने की बात करके जो है वो अपना इतिश्री समझ लिए हैं, जो सुशांत बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो जिन बच्चे के माँ की गोद सुनी हो जा रही है उनके आंखों का आंसू पोंछना भी नीतीश कुमार मुनासिब नहीं समझे हैं। दिल्ली दूर, जहाँ से दिल्ली से केंद्रीय मंत्री आकर बच्चों और उनके माँ का हाल जाना, परिवार के लोगों का जो है दर्द बांटने की कोशिश किए, लेकिन मात्र 80 किलोमीटर की दूरी नीतीश कुमार नहीं तय कर पाए और लगातार जो है यहाँ बच्चों के मरने का सिलसिला जारी है और लगातार बीमार बच्चे जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं। जी जी
जी संतोष, मरीजों से मिलने पहुंचे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हीं के सामने एक बच्ची की मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता जो कहर है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हेलो संतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बताएं, फिर से सवाल। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ कि मरीजों से मिलने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे, जहां पर एक बच्ची ने उनके सामने ही दम तोड़ दिया। मामले की जो गंभीरता, जिस तरीके से बुखार का कहर है, वो इस वक्त उस चीज को समझ पा रहे होंगे कि उनके सामने ही बच्ची ने दम तोड़ा है? जी निश्चित रूप से, जिस वक्त हर्षवर्धन जो है मुजफ्फरपुर के PICU वार्ड में जो है भ्रमण कर रहे थे, बच्चे को देख रहे थे, बच्चे के माँ से जो है हालचाल जान रहे थे कि आखिर बीमार पड़ने का सिम्टम क्या है, उसी वक्त जो है दो बच्चों ने दम तोड़ दिया। और कहीं ना कहीं जिस वक्त बच्चे ने दम तोड़ा, वो स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद वहां थे, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कारण की यह कोई नई बीमारी इस इलाके के लोगों के लिए नहीं है। 1993 से इस इलाके के लोगों पर, लोगों के, गरीब के बच्चों पर जो है कहर बनकर जो है टूट रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे, उस समय आए और अपना खाना पूर्ति करके गए। इस बार भी आए हैं तो अपना खाना पूर्ति करके गए हैं। 100 बेड का PICU स्पेशल अत्याधुनिक बेड बनाने का जो है उन्होंने भरोसा दिया, रिसर्च सेंटर खोलने का भरोसा दिया, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, उनको बचाने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहा है। हाँ, इस बीमारी के बारे में ये कहें कि सिर्फ प्रोटोकॉल के आधार पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जो बच्चे बच गए वो भगवान भरोसे, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी ठोस पहल होता हुआ अब तक नहीं दिख रहा है। जी संतोष, अगर हम बात करें डॉक्टरों की हड़ताल की, तो डॉक्टर्स की हड़ताल से बच्चों के इलाज को दूर रखा गया है? जी, डॉक्टर का हड़ताल भी इसी में जारी है, लेकिन जो हड़ताल पे डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों ने जो है जो मरीज इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों को जो है उस डिपार्टमेंट को जो है हड़ताल से बाहर रखा गया है। इमरजेंसी जो है मेडिकल कॉलेज का, उसको भी जो है हड़ताल से बाहर रखा गया है और बच्चों का इलाज चल रहा है। अभी श्याम रजक भी आए हुए हैं, वो जो है बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के चेहरे से के नाम से जाने जाते हैं, वह नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के SKMCH में मात्र 80 किलोमीटर की दूरी तय करके आना मुनासिब नहीं समझे। जी जी, बड़ा एक आरोप है संतोष। अगला सवाल मैं आपसे लूंगी कि कब तक बिहार इस महामारी से निकल पाएगा, कोई अंदाजा? निश्चित रूप से यह महामारी का रूप ले चुका है यह बीमारी, और जब तक मुजफ्फरपुर में बारिश नहीं होगी तब तक इसे रुकना जो है संभव नहीं लग रहा है। और जिला प्रशासन से लेकर डॉक्टर तक और सरकार तक सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और ये मौत का कहर थम जाए और सारे मामले फिर जो है दब जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि लगातार इतने लंबे समय से जब यह बीमारी चली आ रही है, तो निश्चित रूप से जो है सरकार को कोई ना कोई ठोस उपाय निकालना चाहिए था, कोई ना कोई उपाय रिसर्च की जो है करनी चाहिए, जिससे बीमारी का पता चल सके, मरीजों के जो बच्चे मर रहे हैं उनसे बचाया जा सके, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, और जिसका नतीजा है कि इस बार गर्मी और उमस के बढ़ने के साथ ही बच्चों के मरने का सिलसिला जारी हो गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, तमाम जानकारियों के साथ।